इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। ये रामपुर का बापू मॉल है। कई सालों के बाद ये तैयार हुआ, लेकिन कुछ ऐसा इसमें रहा कि दुकानें बंद तो गईं लेकिन दुकानें खुल नहीं पाईं। काफ़ी ज़्यादा इसमें विवाद रहा। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुकानें बहुत महंगी थीं, दुकानदार इसको अफोर्ड नहीं करा पा रहे थे। रामपुर किस्सों के लिए मशहूर है, पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, चाकुओं के लिए भी मशहूर है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं उनके लिए भी शहर रामपुर मशहूर है। कुछ दिनों से यहाँ एक हवा फैली हुई है कि रामपुर के बापू मॉल में एक चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को दुकानें खोलने नहीं दे रही है। तो इसी चीज़ की, इसी वायरल न्यूज़ की पड़ताल करने हम पहुँच गए हैं रामपुर के वायरल मॉल। और आज यहाँ पर हम रहेंगे। इस वक्त 7 बज रहे हैं शाम के, और हम उन वक्तों पर यहाँ पर रहेंगे जहाँ पर माना जाता है कि इस तरह की चीज़ें आती हैं। रात के 12 बजे भी हम यहाँ मौजूद रहेंगे, रात के 3 बजे भी हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि हम आपको इन भूत प्रेत भूतिया चीज़ों के बारे में गलत दिशा में लेके जाएं, सिर्फ ये आपकी आँखें खोलने के लिए बनाई गई हैं कि इस तरह की चीज़ वाकई ही होती है, नहीं होती है, अगर है तो कहाँ है तो कैसी है। क्योंकि यह मॉल है, यह रामपुर का एक धरोहर है। मॉल्स जब होते हैं किसी भी शहर में तो वो तरक्की को शो करते हैं। तो आज रात हम इसी मॉल में रहेंगे। मेरे साथ हैं सदात अली खां और सैयद मोनिस मियां। रात के 7 इस वक्त बजे हैं, रात के 12 बजे भी हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, और रात के 3 बजे भी हम आपके साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। देखेंगे आखिर रामपुर की बापू मॉल की चुड़ैल का क्या रहस्य है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर अपना सफर। आज तक इस तरह की वीडियो शूट नहीं की है। हम आपको फिर बता दें कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम आपको किसी गलत दिशा में लेके जाएं या किसी, सिर्फ उन धारणाओं के बारे में आपको सूचित करना है या उस हकीकत, उस वायरल न्यूज के बारे में आपको बताना है, उसकी पड़ताल करनी है। इस वक्त 8:40 हो रहे हैं। दुकानों के अंदर मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं जाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स तकरीबन बनी हुई हैं। काफ़ी सालों से ये बनी हुई हैं, मेरे ख्याल से बापू मॉल बने हुए, इसको तैयार हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आज़म खान ने इसको पूरा करवा दिया था। फिलहाल दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और जहाँ तक मेरा कैमरा शूट कर पा रहा है तो सिर्फ विंग है, और विंग्स में शॉप्स हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी अटपटी चीज़ मालूम नहीं दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे हमें इसमें संदेह हो कुछ गलत है। आगे बढ़ते हैं शॉप्स को, एक एक शॉप्स को देखते हैं। क्या पता यहाँ पर उल्टी चुड़ैल लटकी हो, जिस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं रामपुर के कुछ लोग। ज़्यादा लोगों से पूछा, उनको नहीं मालूम था। एक जीना मुझे दिखा है, कोशिश करते हैं जीने पे चढ़ने की। एक एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, टू बी वेरी फ्रेंकली थोड़ा सा यहाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी गर्माहट यहाँ महसूस हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा महसूस हो रहा है हर सीढ़ी पे कुछ। यहाँ तो कुछ रोशनी सी भी है, एकदम काफ़ी अंधेरा है, लाइट जली हुई है, नाइट विजन को भी ऑन किया हुआ है, फिर भी साफ नहीं दिख रहा है। बहरहाल मैं ऊपर हूँ, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग सो गुड हियर, बट स्टिल ऊपर से कोशिश करते हैं इधर उधर देखने की कि यहाँ क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा जो है वो माहौल अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही उस चुड़ैल ने डेरा डाला हुआ है, बट नीचे से आ रहे हो सकता है कि यहाँ बिल्कुल सुनसान ही है, बिल्कुल खाली है, इसी ऐसा मालूम। एक मिनट, ये यहाँ ये शख्स कौन है? क्या करते हैं आप यहाँ? आप कर क्या रहे हैं यहाँ? वेट, ये कुछ उतर रहा है, और मेरे ख्याल से ये इंसान है। बहरहाल और दुकानों को ढूंढते हैं, दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे लगता नहीं है यहाँ कुछ मिलने वाला है या कुछ ऐसा है। यहाँ आके हम ये भी नहीं कहेंगे कि अपना अपना टाइम ख़राब किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और 3 बजे तक रुकने का अब सवाल नहीं उठता है। यहाँ 12:02 इस वक्त हो रहे हैं और हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमें
कुछ और वक्त भी यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम 12 बजे के बाद एक बार 3 बजे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हमें यहाँ नहीं देखने को मिली है कि हमें लगे कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो भी खबरें आपको मिल रही हैं वो सारी जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई इस जगह भूत नहीं है, कोई इस जगह चोर नहीं है। हालांकि एक दिमागी तवाज़ुन खोया हुआ इंसान हमें ज़रूर मिला, और इस वक्त बस थोड़ी सर्दी बढ़ गई है, आप स्वेटर मेरे ऊपर देख सकते हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आपके शहर आपको लेता हूँ, अलविदा, जय हिंद।